हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि लॉज कि लॉ कौन कौन से पढ़ लिए थे अपन ने। एक तो पढ़ लिया था आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ। एक अपन ने पढ़ लिया था आइडेंटिटी लॉ। एक अपन ने पढ़ लिया था कॉमोडिटी लॉ। अपन ये पढ़ा था लास्ट क्लास में बच्चा। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ एसोसिएटिव लॉ। क्या करेंगे अपन डिस्कस आज? एसोसिएटिव लॉ होता क्या है? अपन ने पढ़ लिया आइडम्पोटेंट लॉ, अपन ने पढ़ लिया आइडेंटिटी लॉ, अपन ने पढ़ लिया कॉम्यूटेटिव लॉ। आज अपन पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव लॉ। देखो होता क्या है। ए बी एंड सी एनी थ्री सेट ए बी और सी कोई से भी तीन सेट है। ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब ये होता कैसे है कि सर ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के, कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ये देखो मेरे पास तीन सेट है ए बी सी, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं अपन बी यूनियन सी। पहले क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? या तो बी में है या सी में है या दोनों में है। अब बी और सी है रहा, ये बी, ये पूरा बी, और सी कौन सा है? ये वाला। ये क्या आएगा? बी यूनियन सी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? बी यूनियन सी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी यूनियन सी को। अब बी यूनियन सी के साथ किसका यूनियन लेना है? एक का लेना है यूनियन, है ना, एक का लेना है यूनियन। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो। बी यूनियन सी के साथ एक का यूनियन लेना है। अब ए कहाँ पे? ये रहा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या गया? ये वाला पूरा, जो ए और बी सी तीनों को कंटेन कर रहा है, यही होगा। ये क्या आया? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, फिर उसका ए के साथ क्या लेते हैं? यूनियन लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, फिर मैंने यूनिवर्सल सेट लिया ए, ठीक है ना। यहाँ पर ये ए, ये बी, ये सी। अब क्या करना है? पहले ए यूनियन बी लेना है। क्या करना है? पहले ए यूनियन बी लेना है। तो ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी आ गया, ये आ गया। अब इस ए यूनियन बी के साथ सी यूनियन करना है, किसका? सी का यूनियन, सी का। ए यूनियन बी के साथ सी का यूनियन करना है, तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए के भी आएंगे, बी के भी आएंगे, सी के भी आएंगे, जो ए बी सी तीनों को कंटेन कर रहा है। अब देखो, पहले बी यूनियन सी किया, फिर उसके साथ ए का यूनियन किया, फिर ए यूनियन बी किया, फिर उसके साथ यू का यूनियन, सी का यूनियन किया। तीनों में सेम एलिमेंट्स आए, दोनों में सेम एलिमेंट्स आए। देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ए बी सी तीनों में सेम एलिमेंट्स है, इसमें भी। मतलब आप क्या करते हो, बी यूनियन सी निकालते हो पहले, फिर उसका ए के साथ क्या करते हो? यूनियन लेते हो। तो ये आते हैं ए बी सी, जो तीनों को ए बी सी कंटेन कर रहा है। फिर अपन ए यूनियन बी निकालते हैं, फिर उसके साथ सी का यूनियन लेते हैं। जब भी ये आते हैं, ये एलिमेंट्स आते हैं, मतलब हमेशा ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। आप पहले बी यूनियन सी लो, फिर उसके साथ ए का यूनियन लो, या ए यूनियन बी लो, फिर उसके साथ सी का यूनियन लो, हमेशा क्या आएंगे? बराबर आएंगे। क्या आएंगे? हमेशा बराबर आएंगे। अब इंटरसेक्शन के लिए देखते हैं।
ये तो हो गया यूनियन के लिए, अब देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए कि बराबर आते हैं या नहीं आते, ये भी देखते हैं। अब देखो पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालते हैं पहले। देखो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए बी और ये सी है, ये मेरे पास ए बी सी है। पहले क्या निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी का है क्या है, जो बी और सी दोनों में क्या है, कॉमन है। अब देखो बी और सी कहाँ पे है, ये रहा, ये तो पूरा बी है, ये तो सी है, और ये सी और बी में ये कॉमन आ रहे हैं, ये वाले कॉमन आ रहे हैं, ये आएंगे कॉमन, है ना, ये आ रहे हैं कॉमन बी और सी में, ये आएंगे, ये वाले कॉमन आ रहे हैं बी और सी में। अब बी और सी में, बी इंटरसेक्शन सी के साथ फिर क्या करना है, एक का इंटरसेक्शन लेना है। बी इंटरसेक्शन सी के साथ फिर क्या करना है, एक का इंटरसेक्शन लेना है। अब बी इंटरसेक्शन सी तो ये आ गया, ये पूरा बी इंटरसेक्शन सी तो ये आ गया। अब इसका ए के साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, यानी ए के साथ कॉमन एलिमेंट्स। अब देखो ये वाला तो ए में नहीं है, देखो ये ए बी सी, ये वाला तो ए में नहीं है, ये वाला ए में नहीं है ना। अब ए में कौन सा है, ये वाला, तो कॉमन कौन सा आएगा, यही आएगा, यही आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यही आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। अब क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, क्या तीनों इक्वल आते हैं, देखते हैं। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट हुआ, ए बी सी क्या हुई, इसके सबसेट हुए ए बी सी, ठीक है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, वो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये वाले एलिमेंट्स, थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं ना, थोड़ा इसको बड़ा बना देते अपन, ए ये मैंने बड़ा बना दिया, ये ए बी सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो दोनों में क्या है, कॉमन है, ये कॉमन एलिमेंट्स, ये ए इंटरसेक्शन, पहले ब्रैकेट वाले को अपन सोल्व करते हैं ना, ये याद रखना हमेशा, ए इंटरसेक्शन बी। अब इस ए इंटरसेक्शन बी का फिर सी के साथ क्या है, इंटरसेक्शन है, यानी इस ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन है, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी तो ये आ गया, और पूरा सी ये रहा, ये पूरा सी है। अब इसके साथ कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले तो हैं, ये वाले तो आएंगे, अरे इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन वाले तो आते हैं, ये वाले आते हैं, ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी है, ये सी है। अब सी के साथ कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले तो हैं, तो बचे हुए कौन से एलिमेंट्स, ये वाले तो आएंगे, ये वाले आएंगे। तो अपन देख रहे हैं कि पहले बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं, फिर उसके साथ इंटरसेक्शन ए लेते हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स आते हैं, कौन से, ये वाले आते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, फिर उसके साथ इंटरसेक्शन सी लेते हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स आते हैं, ये वाले दोनों में सेम आ रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं आ रहा, दोनों सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें देखो ये वाला पोर्शन आ रहा है, इसमें भी ये वाला आ रहा है, तो मतलब ए बी सी एनी कोई से भी थ्री सेट हो, हमेशा इस रूल्स को फॉलो करते हैं, हमेशा इस नियम को फॉलो करते हैं। तो इस नियम को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, क्या बोलते हैं इसे, एसोसिएटिव लॉ। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी हमेशा बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, ए इंटरसेक्शन हमेशा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमेशा बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, है ना। तो इस नियम को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसे अपन वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, इसे अपन कोई एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3, मैंने एग्जांपल लिया 2 3 4 5, मैंने फिर एग्जांपल लिया सी 1 4 5 6, मैंने तीन सेट लिए, है ना, जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट्स 1 4 5 6। अब देख चेक करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल आता है कि ए इंटरसेक्शन बी के इंटरसेक्शन सी के, ये चेक करते हैं। पहले निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट वाले सोल्व करते हैं अपन, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, जिसमें कॉमन एलिमेंट्स है कौन से आ रहे हैं, 4 5, यही आ रहे हैं 4 5। फिर इसका एक के साथ क्या है, इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए क्या है 1 2 3, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 5 आ गया। अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी, ये क्या आता है चेक करते हैं, पहले निकालते हैं इंटरसेक्शन बी। ए और बी में, बी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, 2 3 यही है, 2 3 यही है। अब इसका क्या क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या आएगा, अब सी क्या है 1 4 5 6 और ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3, क्या कॉमन एलिमेंट्स है, नहीं है ना, तो क्या आया 5 आया, इधर भी 5 आया इक्वेशन नंबर 1, इधर भी 5 आया, तो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। तो हमेशा याद रखना कोई से भी 3 सेट हो वो हमेशा क्या करते हैं, एसोसिएटिव नियम का पालन करते हैं, हमेशा क्या करते हैं वो एसोसिएटिव नियम का पालन करते हैं। कोई से भी 3 सेट हो, ए बी सी एनी 3 सेट, मैंने लिखा है यहाँ पर ए एंड बी एंड सी एनी 3 सेट, हमेशा इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक, किसी को डाउट एनी कन्फ्यूजन, उतार लो इसको, एनी कन्फ्यूजन, तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ हो गया, आइडेंटिटी लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। ये फोर्थ लॉ है अपना, कौन सा लॉ है ये, फोर्थ लॉ। अपना नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अपन भी इसको वेन डायग्राम समझेंगे कि कैसे बराबर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ लॉ क्या है अपने पास, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, ये फिफ्थ है ना, फर्स्ट तो वो था आइडेंटिटी आइडेंटिपोटेंट, सेकंड क्या था आइडेंटिटी, थर्ड क्या था कॉम्यूटेटिव, फोर्थ क्या था एसोसिएटिव, और फिफ्थ क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ये लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, फर्स्ट, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। अब ये अपन तो पढ़ तो लिए, अब इसका अपन प्रूफ देखते हैं किससे, वेन डायग्राम से, सबसे इजीली वेन डायग्राम, ये एग्जांपल लेके समझ लो। देखो वेन डायग्राम समझते हैं अपन, ये मेरे पास क्या है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके सबसेट को हमेशा सर्किल से, तो मैंने ए बी सी इसके क्या लिए, 3 सबसेट लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी एंड सी, ए बी एंड सी एनी 3 सेट, एनी 3 सेट, ठीक है ना। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पर, हाँ सही है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सही है, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। देखो मैंने क्या कहा था, पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं, है ना, अब निकालते हैं बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालते हैं अपन, पहले निकालते हैं बी यूनियन सी, ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी, ये मेरे पास सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये आ गया। बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, या तो बी में है या सी में है या दोनों में है। अब बी यूनियन सी कहाँ पे है, ये वाले, ये बी यूनियन सी यही होगा, बी यूनियन सी यही होगा, ये क्या है बी यूनियन सी, ठीक है ना। अब बी यूनियन सी के साथ ए का क्या है, इंटरसेक्शन है, बी यूनियन सी का ए के साथ क्या है, इंटरसेक्शन है। अब बी यूनियन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन है, यानी इन दोनों में क्या देखना है, कॉमन एलिमेंट्स देखना है, इन दोनों में क्या देखना है, कॉमन एलिमेंट्स देखना है। तो अपन को दिख रहा होगा कि बी यूनियन सी तो ये आ गया पूरा,
बी यूनियन सी तो ये पूरा आ गया, लेकिन ए में देखो ये वाला पोर्शन है, ए में क्या है ये वाला पोर्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, इन दो इनमें कॉमन एलिमेंट्स होगा। अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं ये चेक करो, इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं अपन को, ये देखो ये पूरा ए है, ये ए है, ये ए तो है, अब बी यूनियन सी ये पूरा है, तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, देखो ये कॉमन एलिमेंट्स अपन को दिख गए, ये वाले दिख गए, ये वाले यही है, यही दिखेंगे कॉमन एलिमेंट्स, जो ए में है ए में भी है और बी यूनियन सी में भी है, यही है। ये क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आया, ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले। अपन ने चलो LHS निकाल लिया, अब क्या निकालते हैं, RHS सोल्व करते हैं, किससे, वेन डायग्राम से। ये मेरे पास ए बी सी, ठीक है ना, ये ए बी सी, पहले ए यूनियन बी निकालना है, पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी, अब देखो सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो इनके कॉमन में है, ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी, यही आएंगे, ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन, ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, ये तो हो गया पूरा LHS, ठीक है ना। अपन क्या सोल्व कर रहे हैं, RHS, ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया, जो ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन है। अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी, अब ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, अब ए इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स हैं, ये वाले, देखो ये वाले हैं, ये वाले हैं, है ना, ये वाले ही हैं, ये तो आ गया ए इंटरसेक्शन सी। देखो बच्चा आपको दिख रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी में ये वाले एलिमेंट्स आ गए, ए इंटरसेक्शन सी में ये वाले एलिमेंट्स आ गए। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, यानी इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में है या ए इंटरसेक्शन सी में है या दोनों में ही है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, अब ए इंटरसेक्शन सी ये रहा, अब इसमें इसके यूनियन में कौन से एलिमेंट्स होंगे, या तो दोनों में है या ए इंटरसेक्शन बी में है या ए इंटरसेक्शन सी में। अब देखो ये तो मेरे पास ए आ गया, देखो ये मेरे पास बी आ गया, ये मेरे पास सी आ गया, अब ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, ए इंटरसेक्शन सी ये रहा, इनके यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, या तो ए इंटरसेक्शन बी में है या ए इंटरसेक्शन सी में है या दोनों में है। अब देखो ये वाले एलिमेंट्स ये रहे, ये वाले एलिमेंट्स ये रहे, तो इसके यूनियन में ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, ये तो आएंगे बच्चा, ये तो ए इंटरसेक्शन सी में आ गए, ये इंटरसेक्शन बी में आ गए, तो इनके यूनियन में ये तो आएंगे, और कौन से बचे एलिमेंट्स, और कोई एलिमेंट्स बचे ही नहीं, ये तो बच, इन दोनों को मिला के ये तो बनेंगे और कोई बचा ही नहीं, तो ये क्या बना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अपन ने पहले LHS सोल्व किया तो क्या आया, ये आया, ये वाला पोर्शन आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, फिर अपन ने RHS सोल्व किया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन है, देख रहे हो, अरे ये तो आएगा, देख रहे हो दोनों में LHS RHS में दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, ये वाला डायग्राम वेन डायग्राम में देखो, इस वाले वेन डायग्राम में देखो, दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, कोई डिफरेंट आ रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना, तो ये इससे क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, कोई से भी आप तीन सेट ले लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हमेशा हमेशा कोई से भी तीन सेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करते हैं, क्योंकि अपन ने देखा वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, LHS में फिर अपन ने RHS सोल्व किया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में भी सेम वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मतलब इनमें दोनों बराबर हो गए, तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नियम का पालन करते हैं। तो अपन ने सेकेंड सोल्व कर लिया, किससे, वेन डायग्राम से, फर्स्ट आपके लिए आप सोल्व करोगे, फर्स्ट किसके लिए है, आपके लिए, इसे आप सोल्व करोगे, सेकंड मैंने सोल्व कर दिया, किसी को डाउट एनी कंफ्यूजन, इजली सोल्व किया ना,
वेन डायग्राम से आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, हमेशा ये क्या आएंगे, बराबर आएंगे। कोई से भी तीन एग्जांपल ले लो, कोई से भी तीन सेट ले लो, हमेशा ये क्या आएंगे, बराबर। कभी भी ये अनइक्वल नहीं आएंगे, हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। किसी को डाउट, एनी कन्फ्यूजन? वेन डायग्राम सबको आना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ए डिफरेंस ऑफ बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये सबको आना चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं आएंगे तो तुम्हें ये भी नहीं आएंगे। समझ रहे मेरी बात? सबको आ रही है समझने में? किसी को डाउट? क्लियर? ये तो इसे उतार लो, दिमाग में छाप लो, इसे दिमाग में छाप लो कि ए बी सी एनी कोई सी भी तीन सेट हो, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करते हैं। अब एक लॉ है, उसे बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन लॉ। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये मैं सोल्व नहीं कर रहा, ये आपको एग्जांपल लेके समझो, ये वेन डायग्राम से हमेशा इक्वल आएंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। उतार लिए इसको माइंड में, हैं? उतार लिए दिमाग में, इसको मिटा दूं? अब पढ़ते हैं डी मॉर्गन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपन इसका प्रूफ देखेंगे। डी मॉर्गन लॉ, पहले डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ करने से पहले कुछ अपन रिकॉल करते हैं, कुछ पढ़ते हैं जो अपन ने पहले पढ़ रखे हैं। देखो डी मॉर्गन लॉ, लिखो इसको डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन को साइंटिस्ट, को मैथमेटिशियन होगा जिन्होंने ये दिया होगा। उन्होंने क्या दिया कि ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। इसे अपन वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं, इसे अपन मैथमेटिकल मेथड से प्रूव कर सकते हैं। इसके दो मेथड है, इसे अपन वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, अपन इसे मैथमेटिकल मेथड से प्रूव कर सकते हैं, और हाँ इसे अपन एग्जाम्पल लेके भी प्रूव कर सकते हैं। तीन मेथड है इसके बच्चा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले किससे प्रूव करें बच्चा? वेन डायग्राम से या मैथमेटिकल से? हाँ किससे? वेन डायग्राम से। चलो वेन डायग्राम से प्रूव करते अपन। ये मेरे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये मेरे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ये मेरे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये इसका सबसेट है ए और बी। मैंने दो सेट ए और बी। पहले क्या करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होते हैं? ये लो कॉमन निकाल लो, ये कॉमन एलिमेंट्स आ गए, ये लो मेरे आ गए कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो यूनिवर्सल में सेट में होते हैं लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होते, यानी ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, यही है। अरे बेटा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कि ए इंटरसेक्शन बी के सारे के एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, यही इसमें आएंगे। ये तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया मेरे पास, ये तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये क्या आता है, ये देखते हैं अपन अभी। ये लो ये मैंने ए बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स है जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसके ये वाले एलिमेंट छोड़कर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए और बी क्या है? यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट किस में आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी के
कॉम्प्लीमेंट में ये आ गए, यानी आप देख रहे हो इसमें ओनली ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स नहीं है। अब क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो ए में नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो ए में नहीं है। अब ए तो ये है, ओ बी ये है, अब ए में नहीं है ये तो चलो ए कॉम्प्लीमेंट हो गए, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गए, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर ए को छोड़कर, ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या मिल गया मेरे को, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट, चलो बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालते हैं, यार लो ये बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिया अपन ने, ये लो बी कॉम्प्लीमेंट कौन से, बी को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट वो किस में आएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में, चलो ये बी कॉम्प्लीमेंट को चलो यार लो ये लो ये लो ये लो ये लो है ना, बी को छोड़ दिया मैंने बस, ओनली किसको छोड़ा है, बी को छोड़ा है, ये बी कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इनमें या तो ए कॉम्प्लीमेंट में है या बी कॉम्प्लीमेंट में है या दोनों में है, यूनियन ये होगा, ये तो ये लो यूनिवर्सल सेट, ये लो ये ए ये बी ये मेरे पास। अब क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, देखो ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ये वाला, चलो ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं पहले, ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए को छोड़कर है ना, ए को छोड़कर अपन देखो आप सब देख रहे हो कि ए कॉम्प्लीमेंट में देखो इसके इंटरसेक्शन में भी एलिमेंट्स नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में, और बी कॉम्प्लीमेंट में देख रहे हो इसके इंटरसेक्शन में भी एलिमेंट्स नहीं है, नहीं है ना, यानी इनके कॉमन में एलिमेंट्स नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहे, अपन क्या देख रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में इसके इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स नहीं आ रहे और इसमें भी नहीं आ रहे, तो इनके यूनियन में भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाले एलिमेंट्स नहीं है, ए बी के इंटरसेक्शन में नहीं है और बी कॉम्प्लीमेंट में ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स नहीं है, तो इनके यूनियन में भी नहीं आएंगे। यूनियन में कौन से होते हैं, या तो ए कॉम्प्लीमेंट में होते हैं या बी कॉम्प्लीमेंट में या दोनों में। अब देखो ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला, ये बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स नहीं आ रहे जो इनके इंटरसेक्शन में है, है वो वाले एलिमेंट्स नहीं आ रहे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स नहीं आ रहे जो इनके इंटरसेक्शन में हैं, वो वाले एलिमेंट्स नहीं आ रहे। और अपन ये भी देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स नहीं आ रहे जो इनके इंटरसेक्शन में, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में भी सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। इन दोनों में क्या है, कौन से एलिमेंट्स नहीं आ रहे जो इनके इंटरसेक्शन में है, उनको छोड़कर सारे एलिमेंट्स है, देखो उनको छोड़कर सारे एलिमेंट्स है, इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट्स है, इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर सारे एलिमेंट्स है, यानी दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो एनी टू सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमेशा इसको याद रखना, हमेशा इसको याद रखना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी अपन वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, इसको भी अपन वेन डायग्राम से प्रूव कर दिया, इसको भी अपन मैथमेटिकल मेथड से प्रूव कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसे अपन एग्जाम्पल लिखकर प्रूव कर सकते हैं। तीन तीन मेथड है, आपकी चॉइस है कि आप किससे करना चाहते हैं, जो इजीली पढ़े उससे करो। आया सबको समझने में, किसी को डाउट, एनी कन्फ्यूजन? तो बच्चों दोस्तों आज के लिए इतना ही, आया सबको समझने में, आया सबको मजा सीखने में ये?
है ना। तो बच्चों कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।